हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो बना रहे हैं। दो वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, उसके बाद में हमारा काफ़ी बीच में गैप हो गया, कुछ काम था इस चक्कर में, लेकिन अब से रेगुलर रहेगी वीडियो। और हम इस चैनल पे इंग्लिश का भी करवा रहे हैं, जिसमें बेसिक से हम करवा रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम करेंगे काउंटर स्ट्राइक रिवेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हम आज फ्लैट काउंटर हेड रिवेट देख रहे हैं, इसकी भी दो ही मेजरमेंट है, बहुत ही सिंपल है। एक 1.5D और एक 0.5D, ठीक है। तो हम 100 mm का बनाएंगे। पचास हो जाएगा। तो जैसा कि हम सबसे पहले रिवेट में शैंक बनाते हैं और सेंटर लाइन लेते हैं, तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। सेंटर लाइन ले ली और सबसे पहले हम रिवेट का शैंक बनाएंगे, नीचे का हिस्सा। तो 100 mm का हम ले रहे हैं, तो फिर 50-50 mm सेंटर लाइन से दोनों तरफ होना चाहिए। ये 50-50 mm हो गया, ठीक है। अब ये नीचे का ऐसा सेंक बनाएंगे पहले, और इसका ब्रेक पॉइंट बनाएंगे, जो कि ये 30 डिग्री पे लाइन कटी होती है। अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये 0.5 जो है mm है, 50 mm, इसको ऊपर लेना है यहाँ से। तो इसको हम पहले सबसे पहले यहाँ पे एंगल लेंगे, इसमें 60 डिग्री का एक एंगल होता है। अब 60 डिग्री का एंगल हम कैसे निकालेंगे, डी लेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। और स्केल में 30 mm, 1, 2, 3, यहाँ 30 mm पे यहाँ पे डॉट ले लेंगे, और ठीक इस तरह ही इस पॉइंट पर रख के इधर भी 30 mm पे ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को पॉइंटों को मिला देंगे, ये हो गया। और ये हमारा 60 एंगल का बन जाएगा, इसको हम दिखा देंगे 60 एंगल का। ठीक है, और उसके बाद में 0.5 mm ऊपर लेना है। अब हाइट हमको ऐसे ऊपर डायरेक्ट नहीं लेना है, इसको ऐसे तिरछे में लेना है। तो 50 mm हो रहा, तो 50 mm इस साइड लेंगे, और ये जो हमने लाइन ली है 60 डिग्री की जो लाइन खींची है, हम इससे लेंगे। तो ये 50 mm हम यहाँ से ऊपर ले लें, 25 तरीके से, और ठीक इसी तरफ से, इस तरफ से भी ऐसे लेंगे। यह ध्यान रखना, इसको ऐसे टेढ़े में लेनी है, ये नहीं कि आप ऐसे सीधे में रख के ऐसे ले लो, इसको ऐसे में लेनी है, और उसकी मेज़रमेंट भी आप ऐसे ही में दोगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये 0.5 mm की लाइन ले ली है दोनों साइड में, अब इन दोनों पॉइंटों को हमको मिलाना है। और ये आप मिलाओगे तो आप देखोगे 1.5D यानी 150 mm का ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ रखो स्केल और उसको मिला दो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फ्लैट काउंटर हेड रिवेट ख़त्म होता है। अब इसकी आप मेज़रमेंट दे सकते हैं, और मेज़रमेंट देते वक्त ध्यान रखना, इसको मेज़रमेंट इसकी ऐसे में आएगी, ना कि खड़े में आप दोगे, क्योंकि हमने इसकी हाइट ऐसे में ली है, तो इसकी मेज़रमेंट भी हम ऐसे में देंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे ये 0.5D, ठीक है। और इसकी मेज़रमेंट दे देंगे हम हेड की, इसकी चौड़ाई की, वन पॉइंट
5D, ठीक है, और ये नॉर्मल इसकी दे देंगे डी। ये आपका फ्लैट हेड काउंटर क्रैंक रिवेट यहाँ पे ख़त्म होता है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें।